हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, माँ धूमावती का जन्म ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को है। यह जयंती 18 जून शुक्रवार को मनाई जाएगी। साल 2021 में 18 जून शुक्रवार को मनाई जाएगी। माता धूमावती 10 महाविद्याओं में से एक सातवीं उग्र शक्ति है। आज मैं आपको बताऊंगी माँ धूमावती जयंती की पौराणिक कथा और पूजा का शुभ मुहूर्त और माँ धूमावती की पूजा के कुछ खास मंत्र। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह इस चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं धूमावती जयंती की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2021 में 18 जून शुक्ल पक्ष की अष्टमी को धूमावती जयंती मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि रात्रि के 8:39 तक रहेगी और इसके बाद नवमी शुरू हो जाएगी। अभिजीत मुहूर्त होगा 11:32 से 12:27 तक और अमृतकाल समय है 2:36 से 4:10 तक और विजय मुहूर्त है दोपहर के 2:16 से 3:11 तक। आइए अब जानते हैं माँ धूमावती जयंती की कथा। दोस्तों, माँ धूमावती की कथा हमें कई तरह से मिलती है। उनमें से एक यह है कि एक बार माता पार्वती को बहुत तेज भूख लगी थी। कुछ नहीं मिलने पर उन्होंने शिवजी से भोजन की मांग की। शिवजी कुछ समय के लिए इंतजार करने को कहते हैं, परंतु माता पार्वती की भूख और भी तेज हो जाती है। अंत में भूख से परेशान होकर, भूख से व्याकुल माता भगवान शिव को ही निगल जाती हैं। भगवान शिव को निगलने के पश्चात माता की देह से धुआं निकलने लगता है, तब माता की भूख शांत होती है। इसके बाद भगवान शिव जी अपनी शक्ति द्वारा पेट से बाहर आते हैं और माता से कहते हैं कि धूम से व्याप्त देह होने के कारण आपकी इस स्वरूप का नाम धूमावती होगा। और यह भी कहा जाता है कि भगवान शिव ने उनसे अनुरोध किया कि मुझे बाहर निकालो, तो उन्होंने उगलकर उन्हें बाहर निकाल दिया था। निकालने के बाद शिव ने उन्हें शाप दिया कि आज और अभी से तुम विधवा रूप में रहोगे। यह भी कहा जाता है कि जैसे ही पार्वती भगवान शिव को निगल लेती हैं, उनका स्वरूप एक विधवा जैसा हो जाता है। इसके अलावा शिव के गले में मौजूद शिव के असर से देवी पार्वती का पूरा शरीर धुएं जैसा हो गया था, उनकी पूरी काया श्रृंगार विहीन हो गई थी। तब शिव जी ने अपनी शक्ति से पार्वती को कहा, पार्वती को कहते हैं कि आपने मुझे निगलने के कारण अब आप विधवा हो गई हैं, जिस कारण आपका नाम धूमावती भी होगा। इसके अलावा दोस्तों, एक और भी कथा है। दूसरी कथा के अनुसार जब सती ने पिता के यज्ञ में स्वेच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया था, तो उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला था उससे धूमावती का जन्म हुआ था। इसीलिए वे हमेशा उदास रहती हैं, यानी धूमावती धुएं के रूप में सती का भौतिक स्वरूप है। सती का जो कुछ बचा रहा उदास धुआं था। आइए अब जानते हैं कि धूमावती माता कौन है।
दोस्तों, धूमावती माता 10 महाविद्याओं में से एक सातवीं उग्र शक्ति है। कहते हैं कि धूमावती का स्वामी कोई नहीं है, इसलिए यह विधवा माता मानी गई है। माँ धूमावती महाशक्ति स्वयं नियंत्रिका है। ऋग्वेद में रात्रि सूक्त में इन्हें सुतरा कहा गया है, अर्थात ये सुखपूर्वक तारने योग्य हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ऋषि दुर्वासा, भृंगु और परशुराम आदि की मूल शक्ति धूमावती हैं। सृष्टि कलह की देवी होने के कारण इन्हें कलह प्रिय भी कहा जाता है। देवी का मुख्य अस्त्र है सूप, जिसमें ये समस्त विश्व को समेट कर महाप्रलय कर देती हैं। इन्हें अभाव और संकट को दूर करने वाली माँ कहा गया है। चतुर्मास देवी का प्रमुख समय होता है, जबकि इनकी साधना चतुर्मास में की जाती है। इनकी साधना से जीवन में निडरता और निश्चितता आती है। इनकी साधना या प्रार्थना से आत्मबल का विकास होता है, मनोबल बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इस महाविद्या के फल से देवी धूमावती सुकरी के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट होकर साधक के सभी रोग, अरिष्ट और शत्रुओं का नाश कर देती हैं। प्रबल महाप्रतापी तथा सिद्ध पुरुष के रूप में उस साधक की ख्याति हो जाती है। इस महाविद्या की सिद्धि के लिए तिल मिश्रित घी से होम किया जाता है। धूमावती महाविद्या के लिए यह भी जरूरी है कि व्यक्ति सात्विक और नियम, संयम और सत्यनिष्ठा को पालन करने वाला, लोभ लालच से दूर रहें, लोभ लालच ना करें और शराब और मांस को ना छुएं। और साधना करने से पहले नियम जरूर जान लेने चाहिए और सुहागिन महिलाओं को इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। आइए, मैं आपको धूमावती के एक खास मंत्र बता रही हूँ। मोती की माला से 9 माला करनी चाहिए और मंत्र इस प्रकार है। ओम धूम धूम धूमावती देवी स्वाहा। इस मंत्र का मोती की माला से 9 माला करना चाहिए, या फिर ओम धूम धूम धूमावते फट, धूम धूम धूमावती ठ ठ, इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। जाप के नियम किसी से पूछ कर ही करना चाहिए, यानी कि धूमावती के जो मंत्र हैं इनका जाप किसी पंडित से, किसी विद्वान से पूछ कर ही करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं, इसलिए दोस्तों जानकारी पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हो सकता है आपके द्वारा शेयर करने पर इस जानकारी से किसी का भला हो जाए। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव, जय माता दी।